अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो सुबह नायक की तबीयत तो ख़राब थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो मेरे रह गए थे। तो फिलहाल अभी उसको मैंने सुलाया, दवाई शवाई पिला के सुबह डॉक्टर के पास उसको ले गई थी। वैसे तो मैं उसे रोज़ ही लेके जाती हूँ, क्योंकि गर्मी आ गई है, बस सारा ही सर्दियों में यही मसला रहा है उसके बुखार का, और अब गर्मी आ गई है तो फिर भी उसको गर्मी से बचा रहे हैं। अभी वो सो रही है और फाइका जो है उसको मैंने पास बिठाया, मैंने कहा आप होमवर्क कर लें क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी मैंने कहा कि यहाँ से सारे सिहन से झाड़ू लगा के पानी शानी लगा देते हैं और चारपाइयाँ जो है शाम की वो कर लेते हैं सेट। और सुबह मैंने कपड़े भी नहीं धोए थे तो वो भी मैंने वॉशिंग चलाई हुई है, मैंने कहा साथ साथ जो है वो कपड़े भी धो लेते हैं। सारे सेहत से झाड़ू जो है वो लगा लिया, और हमारे घर में ना कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है क्योंकि सारी ईंटें जो है वो तप जाती हैं, इसलिए अभी यहाँ पे सारा पानी लगा लेते हैं। वैसे तो जब पानी लगाते हैं तो ज़्यादा हवस बन जाती है। पाई का हुज़ैफ़ा दोनों ने अनाया को भी उठा दिया था। चारपाइयाँ जो हैं वो मैं बाहर सेट कर दी हैं, अभी बाकी की जो रहती हैं वो रात को कर देंगे। और बच्चे जो हैं वो अपने दादा दादू के साथ बाहर बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना काम कर लिया है। और फिलहाल जो है पंखा वो बंद ही रहने देते हैं क्योंकि अभी मैंने तो काम करना है, बैठने वाला है कोई नहीं, वो बाहर है, बाहर धूप आती है वो हवा लेती है। तो अभी जो है मैंने बर्तन धोने हैं और कपड़े धोने हैं, वो धो के फिर करेंगे शाम के खाने की तैयारी। हाँ जी, तो अभी जो है ना हमारे माशाल्लाह से अनार वो भी फ्रेश हो गए क्योंकि उनको मैंने ठंडे पानी से नहला दिया, ताज़ा पानी से। धूप इनको लगती है सारा दिन तो बेचारों का रंग जो है वो भी ख़राब हो गया, ऐसा लगता है कि जैसे ये पक गया, लेकिन ये भी पक्के नहीं, कच्चे हैं। तो यहाँ से तो मैंने मशीन से कटाई कर दी थी, लेकिन ये वाला जो है ना साथ जिसकी घास लगी हुई है काफ़ी बड़ी बड़ी हुई खड़ी है, तो फिलहाल तो इसको पानी लगा दिया, लेकिन जैसे पानी खुश्क होगा तो सुबह इंशाल्लाह फिर इसकी दरांती से जो है मैं कटाई कर लूँगी। पहले ये वाली घास जो है वो थोड़ी छोटी थी तो हाथ में नहीं आ रही थी, और यहाँ पे मैंने कपड़े सारे धो दिए, अभी थोड़े बहुत जो है वो कुछ रहते हैं तो खाने की तैयारी कर लेती हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे किचन में भी साया आ गया है। पहले तो बहुत ज़्यादा धूप थी तो अभी छाँव आ रही है तो खाना बनाने में जो है वो मुश्किल नहीं है। अनाया को खाना शाना खिला दिया क्योंकि वो पहले रो रही थी और अभी वो खुश होकर खेल रही है, और मैं इधर बैठ के सब्जी बना लेती हूँ। गुड़िया लिख लिया, ये आपने ये गलत लिखा है।
किसने मारा गुड़िया को? ठीक है, तो अभी जल्दी से मैं सब्जी बना लेती हूँ। मैंने कहा कि खाना जो है वो बना के जाऊँगी, क्योंकि भाई अनाया को जो है वो जाके दवाई भी लेनी है। डॉक्टर ने कहा था कि दोबारा इसका चेकअप इसका लाजमी करवाना है शाम को। हाँ जी, बकरी को डाल दिया। वो अभी सब्ज़ी जो है वो मैंने छील ली है। मैंने कहा मैं इसको काट लेती हूँ, और फाइकल जो है इसको बकरियों को डाल दिया ना। और काफ़ी दिन जो है वो हम भिंडी खा खा के तंग आ गए थे, तो आज मैंने कहा कि कद्दू जो है वो बना लेते हैं, उसलिए आज मैं कद्दू बना रही हूँ। और ये वाला बंदा जो है ये इससे भी नहीं रहा गया, ये भी मेरे पास ही आके बैठ गया। आप लोगों का खाना अभी मैंने सालन जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दी है, तो यहाँ पे जी हुज़ैफ़ा खान आ गया मेरी हेल्प करने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, और फाइकल जो है उन्होंने उठाया हुआ है अनाया को, वरना वो हेल्प करती है। बाकी हुज़ैफ़ा को जो है वो किचन के काम में और घर के काम करने में काफ़ी शौक़ है, इसको अच्छे जो है ना शौक़ से करता है। अभी माशाल्लाह से सालन जो है वो मेरा हो गया है तैयार। अभी इसको उतार लेते हैं जी नीचे। हाँ जी, तो अभी खाना शाना जो है वो मैंने बना लिया। और खाना क्या बनाया, सालन बस बनाया, और आटा मैंने दिया सिस्टर को, वो बना रही है रोटियां। तो अभी अनाया को लेके चलते हैं डॉक्टर के पास। अभी इसको भी बोलना आ गया, पहले ये जो है इतना ज़्यादा रो रही थी। तो फाइका के बाबा जो है वो तो घर पे थे नहीं, तो मैंने अपने भाई से कहा कि मुझे लेके चलो, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि लाजमी इसको जो है वो चेक करवाना है।